गाइस यहाँ पे मैं थोड़े से फ्राइड राइस बना रही हूँ। आई गेस व्लॉग खत्म नहीं हुआ है क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी बात बोल दी कि मुझे व्लॉग में लेनी पड़ेगी। कोफ्ते बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने हैं। ये अन्नपूर्णा माता की मैं अभी तक ट्राई तो और भी ऑसम बनी है। आज वो प्रॉपर ग्रेवी है, मिक्सी में बना के फिर दही डाल के उसको उबाल के वो वाली ग्रेवी बनाई है। तभी एंड हियर गोस फर्स्ट निवाला। ओह माय गॉड। ऑलराइट मैन, ये तो बहुत बढ़िया है। अब बिंगो। जब सुबह से ऐसे ही बोल रहे हैं दोनों। पता नहीं बस मुंह पे चढ़ा हुआ है Netflix देख के। मैं तो अफ्रीकन अमेरिकन एक्सेंट मार रहा था। चल अच्छा लगा ना? बहुत। एंजॉय। ओके गाइस अब बाय बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? अभी सुबह के 7 बजे हैं और कल मैं लिपस्टिक उतारना भूल गई और ये ना वो है किस प्रूफ, अपने आप उतरती भी नहीं है। तो अभी मैं किचन में ब्रेकफास्ट एंड लंच बना रही हूँ। आज पार्थ को स्कूल जाना है, उसका आज यूनिट टेस्ट शुरू हो रहे हैं, स्कूल के फर्स्ट एग्ज़ाम है। साथ ही उसको जाना है बाहर अपने स्कूल के साथ नोएडा, क्योंकि उसका रोबो कप का कॉम्पिटिशन है जिसकी वो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा है। तो इसलिए उसको आज मैकरोनी दे रही हूँ स्नैक में, और भिंडी को रोटी में रैप करके 2 रोल्स बना के दूंगी ताकि वो बस में बच्चों के साथ जाएगा इधर उधर तो खाने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने मैकरोनी बॉईल कर ली है, यहाँ मैंने भिंडी बना ली है। अब मैं मैकरोनी को तड़का लगाने लगी हूँ प्याज और आलू वाला। गुड मॉर्निंग पार्थ। जय गुरु जी। गुड मॉर्निंग। जय गुरु जी। कैसा है? ठीक है, नहाने जा रहा है। गुड मॉर्निंग जीजू। गुड मॉर्निंग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। कैसे हैं आप? मैं तो फिट। इससे बगोल खाने लगे हैं? हाँ। बहुत बढ़िया चीज़ है गाइस ये। इस बगोल सत इस बगोल। चलो हम मैकरोनी को तड़का लगाते हैं। मैंने गैस को ऑफ कर ही लिया है। पानी खा लिया। गाइस मैकरोनी इज पैक्ड, ये टिफिन हो गया। अब बनाते हैं भिंडी रोल्स। गाइस एक भिंडी रोल पैक हो चुका है और ये दूसरा बन रहा है। ये देखो एकदम पतली सी चपाती टाइप्स देकर मैंने इसको हल्का हल्का सॉइल लगा लिया। तो टोटिया बनाते हैं। टोटिया की तरह हम इसको रैप करेंगे, टोटिया, जिससे कि भिंडी बाहर को ना निकले, है ना। तो ये मैंने फूड रैपिंग पेपर और फॉइल दोनों ले लिए हैं क्योंकि फॉइल में डायरेक्टली खाना पैक करना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो ये रहा हमारा चपाती बेस। अब हम इसमें डालेंगे भिंडी इधर कॉर्नर में। अच्छे से भिंडी पैक करेंगे क्योंकि आर्थी फेवरेट सब्जी है, बच्चे की किसी भी फेवरेट सब्जी का आप रोल बना के खुश होके खा लेते हैं, है ना। अब इसको हमने पूरा भिंडी के ऊपर ऐसे रैप करना है और फिर इधर और इधर साइड से फोल्ड करना है तो सब तरफ से भिंडी अंदर पैक हो जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। अब मेरे पास स्टैंड नहीं है ट्राईपॉड का और आपके जीजू अंदर बिजी हैं, मैं दिखा नहीं सकती। बट अभी ये ऐसे पूरा भिंडी कवर करके फिर इसको यहाँ से, ओह बहुत गर्म है यार, ये देखो गाइस, ये देखो, समझ आ गया आपको? ऐसे ऐसे, और अब मैं इसको पूरा गोल रोल कर दूँगी ऊपर। बहुत मुश्किल से एक हाथ से करना पड़ता है। अब मैं एक रोल और बना रही हूँ जो कि वो खा के जाएगा क्योंकि सुबह फिर एग्ज़ाम के बाद ही उनको बस में जाने के बाद ही कुछ खाने का ब्रेक मिलेगा। सो गाइस ये भी हो गया और ये मैंने थोड़ा सा कुकुम्बर स्लाइसेस पे लेमन स्क्वीज करके हल्का सा रॉक सॉल्ट डाला है। ये मिड स्नैक हो जाएगा जैसे बीच में बच्चों का कुछ मन करता है खाने का ये दोपहर को, तो ये काफ़ी रिफ्रेशिंग होता है और ये पूरा दिन के लिए जा रहा है, रात को आएगा 7 बजे, तो इसलिए इसके बैग में डाल देते हैं सब कुछ। अंदर देखें क्या हाल है। बॉयज आर यू रेडी? सुबह सुबह मूवी लग गई है द गॉडफादर, 3 घंटे की मूवी, बढ़िया मूवी है। अपनी जैकेट पहन ले पार्थ, साउथ की इतनी बढ़िया ही होती है।
साउथ इंडियन मूवीज बहुत पसंद है दोनों बाप बेटे को. सो पार्थ ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर रोबो कप कॉम्पिटिशन. जय गुरु जी. जय गुरु जी. चलो जी छोड़ाओ जीजू मोहित. मतलब गाइस जो लोग नए जुड़े हैं ना कई लिखते हैं आप अपने हस्बैंड को जीजू क्यों बुलाते हो. तो वो मैं आपकी तरफ से बुलाती हूँ. उप्स आपकी मैं आपकी दी हूँ तो वो आपके जीजू हैं. कुछ लोग उनको भैया बोलते हैं तो उनकी मैं भाभी हूँ. अब अपनी मर्जी से रिश्ता बना लो. इन्हें भाई बनाना है या जीजा. ये तो खुश तभी होते हैं जब इनकी सालियाँ बढ़ती हैं. है ना भाई. जीजा जी आपको सालियाँ चाहिए या बहने चाहिए. वर्चुअल सालियाँ. चल यार. चलो बाय बाय. फोन दे दे. कार्ड लेना है. मुझे लगा पता नहीं ये सब काम तो करते नहीं है. तो ये सच्ची में काम कर रहा है. मैंने काफी सारा उतार दिया. इनकी जैकेट का भी उतर गया और मेरी जेगिंग्स का भी. जैसे कि इधर दिखाओ थोड़ा फोकस रखना ना. ये देखो गाइज आपको ये बुर दिख रहा है ना. देख रहे हो एकदम मस्त साफ इलेक्ट्रिक है ये. बिजली से चल रहा है. तार लगा रखी है हमने पीछे और सारा बुर ऐसे करके इधर मोहित की जैकेट से थोड़ा सा उतारा है बाजू से और मेरी इससे और यहाँ पे ये सारा बुर इकट्ठा हो जाता है. सही चीज़ है. कितने का है. 499 का है शायद. नॉट बैड यार. सही है. बहुत सारे कपड़ों पे बुर आ जाते हैं. मेरी तो जैगिंग्स पे कई जगह बुर आ गए हैं. पार्थ का स्वेटर वगैरह इनकी जैकेट तो सब उतर जाएगा. अच्छा है गाइस अब दिखाते हैं आपको. ये देख रहे हो आप इस जैकेट पे कितना बुर है. अब एक्सपर्ट्स आए हैं. देखिए अब आप मेरे हाथ से यही कह चलता है. देख रहे हैं आप उसको ऐसे ही घुमाना है. दिस इज हाउ इट शुड बी रोटेटेड यू नो. तभी इसका बुर उतरेगा. ये सारा हटाओ जी मालकिन. सही है. लिंट रिमूवर न्यू नोवा 499. गुड फ्रेंड्स नहा लिया. मस्त मजा आ गया. और देखो क्या बढ़िया धूप आ रही है मेरी बालकनी में. सर्दियों में ना बस यहीं आती है थोड़ी सी एक डेढ़ घंटा रहती है मस्त वाली धूप. जय तुलसी माता की. तुलसी माता बड़ी हो गई. कड़ी पत्ता भी बड़ा हो गया है. हमारा स्नो वाइट भी बड़ा हो गया है. ये हमारा तिरंगा लहरा रहा है. ये मैंने ड्राइंग स्टैंड यहाँ पर लगा दिया है क्योंकि यहाँ अच्छी धूप आती है विंटर्स में. तो यहाँ कपड़े जल्दी सूख जाते हैं. तो बस अब थोड़ी सी धूप सेकूँगी मैं बस 5-10 मिनट और फिर मैं अंदर जा रही हूँ जय करने. गाइज आई एम ऑलरेडी नहा धो के तैयार हैं हम अपनी योगा क्लास के लिए. आज आपके जीजू घर पे हैं मोहित. और मैं यही देखना चाहती थी कि जब मोहित या पार्ट में से कोई घर होता है तब भी मैं रूटीन फॉलो कर सकती हूँ या नहीं. तो थैंक यू गुरुजी करवाते रहना मुझसे. तो हेयर इज़ माई योगा टॉप एंड माई जेगिंग्स. और पोचा लग चुका है ड्राॅइंग रूम में. मैट बिछाते हैं और करते हैं योगा.
मैंने आपको कल बताया था ना कि मैंने एक नया ट्राइपॉड ऑर्डर किया, आज आ गया। ये थोड़ा छोटी हाइट का, मुझे किचन में बहुत बड़ा वाला खोलने में प्रॉब्लम होती है और वो लटकाने वाला टूट गया मेरा। ये देखो गाइस, ये है इसकी हाइट। मैं आपको इन कंपैरिजन टू माय ये वाला ट्राइपॉड दिखाती हूँ जो है, देख रहे हो आप, इसकी स्टैंडर्ड हाइट अगर बिना कोई भी खोले इतनी है। तो ये मेरे किचन के यूनिट के नीचे अड़ता है। ये मुझे इसलिए छोटा चाहिए था जो इतना खड़ा होके मैं अपनी शेल्फ़ की शूटिंग कर सकूं, गैस वगैरह की। हालांकि ये भी खुलता है, इसमें भी तीन हैं खोलने वाले, बट हाँ ठीक लग रहा है मुझे। बस मतलब इसकी क्वालिटी तो वैसी नहीं है, वो अमेज़ॉन बेसिक्स का है, हल्की है थोड़ी, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है कि काम ना चले, है ना। ये वाले में ज़रा फ़ोन लगाना मेरे को हमेशा से थोड़ा मुश्किल लगता है, ये वाले सही लगता है। ठीक है, मेरे किचन के लिए ये सही रहेगा। और 499 का है आई थिंक, या याद नहीं मुझे, आई थिंक इतने का ही है। देखूंगी मैं, लिंक छोड़ दूंगी आपको, है ना, अगर आपको भी छोटा वाला लेना हो तो। बड़े वाले का भी लिंक छोड़ दूंगी, वो तो मैंने दो बार लिया हुआ है। तो गाइस मैंने रख के देख लिया किचन पे, बिल्कुल सही हाइट है इसकी, ये देखो, है ना। और इसे खोल भी लूँ तब भी ये यहाँ टकराएगा नहीं, वो वाला टकराता है। और लेकिन बस इसकी क्वालिटी में देखो आप, ये देखो बीच में ये कैसी इसकी रॉड की फिनिश, और नीचे कुछ वो ब्लैक सा, इनको कैप लगाना चाहिए था, ये चुभ सकता है किसी को, है ना। मैंने तो पूरा बैग चेक कर लिया, कोई कैप नहीं है। गाइस एडिटिंग डन, आज का व्लॉग एडिट हो गया, घर की पूरी सफाई हो गई, मेड इज गॉन, एंड आपके जी जो यानी मोहित अंदर अपनी कॉल्स ले रहे हैं, बीच में ब्रेक लेते हैं, टीवी भी देखते हैं। और मैंने आज दोपहर को बनाना है शलगम मटर मम्मी और मोहित के लिए, और मेरा आज मकबैंग डे है तो मैंने वो भी ऑर्डर करना है। गाइस न्यू ट्राइपॉड पे फ़ोन लगा लिए और किचन के गैस स्टोव के ऊपर भी पूरा आ गया। सो लेट्स मेक शलगम मटर। ये सब्जी कट चुकी है, मटर भीग चुके हैं, धुल चुके हैं, और प्याज टमाटर एवरीथिंग यू नो, बस बड़ा बच्चे बना देंगे अभी हम। आज तो तुम्हारे पसंद का कचुंबर सैलड दिया है, बहुत स्वाद, मूली गाजर अल्टीमेट, शलगम मटर ठीक लगी, ये शलगम मटर है। हाँ तुम्हें क्या लगा, आलू मटर, मुझे आलू मटर लगा तभी समझ नहीं आ रहा था क्या है, शलगम मटर है, सब्जी सीजन की है ना शलगम, मस्त गरम गरम बहुत सही है। बस मेरा भी आने वाला है खाना, मैं सैलड कट कर रही हूँ, खिला दिया है आपके मोहित दीदू को और मम्मी को भी खिला दिया है, अब हमारी बारी खाने की। ये देखो ग्रीन ग्रीन छिलके के साथ अच्छे से धो लिया मैंने कुकुम्बर, रेड टोमेटो, देखते हैं भैया खाने के साथ अनियन सैलेड भेजेंगे नहीं तो मुझे वो भी कट करना पड़ेगा। गाइस आ गया मेरा भी ऑर्डर, थैंक यू भैया। प्रिया तो भैया कंफर्म कर रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं मेरा, सही जगह ऑर्डर दिया है कि नहीं। बड़े छोटू से पैकेजिंग, ऐसा मुझे क्यों लगा जैसे भैया ने बोला नाइस टॉकिंग टू यू, पता नहीं वहम था या नहीं, बट मुझे समझ नहीं आया इसलिए मैंने कोई जवाब नहीं दिया। क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं है, कभी बोलते नहीं है लोग ऐसे, मैंने तो कुछ खास बात भी नहीं करी, सिर्फ नाम बताया अपना, बट मुझे ऐसा लगा उसने जाते जाते बोला नाइस टॉकिंग टू यू। मुझे देख लिया तो तुम्हें देखकर बल्कि बोलेगा वो मुझे नाइस टॉकिंग टू यू, एमी की पीकी। सो देखिए मैंने ना भैया को ऑर्डर के टाइम ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस होती है ना, ऐड सम इंस्ट्रक्शन, उसमें लिख के दिया था कि सैलेड ज़रूर भेजना, अनियन और ग्रीन चटनी,
तो ये उसने अनियन भेज दिया है, ग्रीन चटनी भी भेज दिया है, गुड। आज मैंने ऑर्डर किया है वीर जी द ढाबा से। सो गाइस, मेरे मकबैंग की पूरी तैयारी हो गई है, मैं शुरू करने लगी हूँ। आपको उससे पहले मैं दिखाती हूँ, अगर मेरे कुछ प्रियाज एंटरटेनमेंट के व्यूअर्स भी मेरे व्लॉगिंग चैनल पर आए हैं तो ये मेरा कुछ इस तरह से सेटअप लगता है, ब्लैक बैकग्राउंड। यहाँ मेरी वुडन चेयर है, ये एक टेबल के ऊपर एक स्टडी टेबल होता है ना बेड वाला, वो लगाती हूँ, इस पर फॉयल पेपर लगाती हूँ और इस तरह से मैं कुछ सेटअप करती हूँ। अब आप देखो, कई लोग मुझे बोलते हैं आप इतना कैसे खा लेते हो, तो एक्चुअली ये हाफ प्लेट राइस ऑर्डर करी थी मैंने, और आप देखो ज़रा आधा डब्बा पड़ा है उसका, हाफ प्लेट का भी हाफ प्लेट राइस मैंने यहाँ पर लगाया ऐसे फैला के, तो कितनी पतली लेयर है ये, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं खा सकती हूँ बाकी मुकबंगर्स की तरह इतना सारा खाना भैया। मैं वैसे ही अपना हेल्थ मेंटेन करनी है, मुझे गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ, इसलिए मुझे देखना पड़ता है। लेकिन ये भी ज़रूरी होता है कि जो व्यू है ना वो व्यूअर्स को अपीलिंग लगे, तो इस तरह से खाने को सजाना पड़ता है गाइस। और ये मैंने हाफ प्लेट मटर पनीर मंगाया था, जिसमें से आप देख सकते हो अभी भी आधा डब्बा यहाँ पड़ा है, इस छोटे डब्बे में से भी मैंने आधा ही डाला है, उसको स्प्रेड कर लिया है। रसगुल्ला चटनी और दो रोटी आई थी कॉम्बो के साथ, ये पालक कोफ्ते हैं, तो मैंने एक ही रोटी रखी है, कई बार मैं दो भी रख लेती हूँ, बट मैं मकबैंग में खाती एक ही हूँ क्योंकि मैं नहीं खा पाती इससे ज़्यादा। साबूदाना पापड़, ये मैंने रखी है वीट ग्रास जीरा हेल्दी जूस ड्रिंक, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है इसमें और बहुत ही अच्छी ऑप्शन है ये, इम्यूनिटी बूस्टर होता है वीट ग्रास एंड जीरा का कॉम्बिनेशन, और ये मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाई हैं काफ़ी सारी ड्रिंक्स जीवो की, वो देख रहे हो आप वहाँ पर, वहाँ में ये सारी ड्रिंक्स होती हैं ASMR के लिए जो मैं मंगाती हूँ ना। तो इस तरह से मैंने अपना प्लेटर सजाया है, सुंदर भी लग रहा है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है खाने में, और मैं इन्जॉय भी कर पाऊँगी अपना खाना। तो अब यहाँ पर मेरी रिंग लाइट है, इसको मैं ऑन कर लूँगी और मैं रूम की लाइट ऑफ कर दूँगी शूट करने के टाइम, तो फिर पीछे ब्लैक बैकग्राउंड और रिंग लाइट में बहुत बढ़िया तरीके से कलर्स उभर कर आते हैं। और यहाँ पे मैं अपना फ़ोन लगा लेती हूँ इस ट्राईपॉड पे, अकॉर्डिंगली सेट कर लेती हूँ। और जो माइक मैं यूज़ करती हूँ गाइस, ये माइक है, मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, आई थिंक 400-500 रुपये का है, और बहुत ही बढ़िया काम करता है। आपने देखा ही होगा, लोग कमेंट करते हैं मेरे वीडियोज़ पे कि ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, कोई मैंने महंगे महंगे माइक नहीं लिए हुए। इसको मैं बस अभी यहाँ पर चिपकाऊंगी टेप से और फ़ोन में जोड़ दूंगी, तो मिलती हूँ आपको मकबैंग करने के बाद। हेलो, हो गया मेरा मकबैंग शूट और बहुत यम्मी खाना था, बहुत मज़ा आया मुझे, और मैंने सारा कुछ अच्छे से सफाई कर दिया है, सब कुछ समेट दिया है, मुझे 15 मिनट लगे और उसके बाद थोड़ी देर बाद अब मैं आकर बेड पर लेटी हूँ क्योंकि एग्जॉस्ट हो गई हूँ। थोड़ा सा रेस्ट करूँगी फिर आपको शाम को मिलती हूँ। हेलो जी, शाम के 5 बजे हैं और देखो हमारे कपड़े चेंज हो गए है ना, क्योंकि आज क्या किया मैंने, रील्स बनाई, तो सूट पहन लिया था मैंने, मेरा मन कर रहा था, और मैंने एक मेकअप शॉट भी बनाया कि एक सिंपल हाउसवाइफ या घर पर आप कैसे तैयार हो सकते हो विद मिनिमम थिंग्स, या मैं कैसे तैयार होती हूँ, तो उसका एक शॉर्ट बनाया है अभी एडिट करके, मतलब जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक तो आई एम श्योर वो चला गया होगा मेरे प्रियाज ब्यूटी जोन वाले चैनल पे। फिर मैंने कुछ रील्स बना ली, मैंने कहा तैयार हुए हैं तो लगे आप रील्स ही बना लेते हैं। तो गाइज आप मेरी रील्स चेक कर लेना, इंस्टाग्राम पेजेस हैं मेरे 4000 पेजेस हैं, फिर से बता रही हूँ जो लोग नए जुड़े हैं उनको भी, एक तो इसी चैनल का पेज है प्रियाज व्लॉगिंग, एक मेरे गुरुजी के साथ जो मैं रील्स बनाती हूँ वो मेरा पेज है प्रियाज अंडरस्कोर गुरुपा, और एक प्रियाज ब्यूटी जोन इंस्टा, और एक प्रियाज एंटरटेनमेंट, सब जगह रील्स डालती हूँ मैं, चेक कर लेना। ये रहे आपकी जीजू, इनका ऑफिस ख़त्म हो गया। हेलो, और ये देख लो मूंगफली का डब्बा और छिलके मूंगफली, ये खा रहे हैं, मैं नहीं खा रही। हाँ, मूंगफली मैं खा रहा हूँ, ये तो छिलके खाती हैं। मैं खाती ही नहीं हूँ। नहीं मतलब मैं मूंगफली खाती हूँ लेकिन रात को थोड़ी सी, इतनी सारी को थोड़ी सी कहती हैं। मुक्का मार दूं मैं फिर से। यार गाइस ट्रस्ट मी, मैं मुश्किल से 5-6 दाने खाती हूँ। हाँ, 5-6 मतलब कितना होता है 5-6? अब बोलो 5-6 किलो। नहीं इतनी तो मैं लेके ही नहीं आता, 500-600 ग्राम खा जाती हूँ। तो मैं थक गई हूँ, पहले थकी हुई लेटी थी, फिर मुझे एकदम से पता नहीं क्या थोड़ा दिमाग में आएगा, चलो बनाते हैं, फिर बनाने चली गई, अभी फिर आ गई हूँ। अब मुझे थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, पार्थ भी 6 बजे आएगा ना, 6 बजे उसको स्कूल लेने जाना है, इन्होंने डिस्पर्सल उसका 6 बजे, मतलब 6:30 तक आएगा, तो उसको भी भूख लगी होगी, कुछ तो खाएगा। फ्रेंच फ्राइज़ बना दूँगी, हैं
तो मेड आने वाली होगी, आलू कटवा लूँगी मैं उससे, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। ऐसे वो एनी टाइम बेल घंटी मारने वाली है, फिर मुझे उठना ही पड़ता है। गाइस पार्थ इज बैक, सारा दिन लगा कर आया आज बेचारा, थक गया बहुत है। 7 बजे इसको आते आते घर, बट ही हैड अ गुड डे, प्रोडक्टिव वन। तो जो कॉम्पिटिशन जिसके लिए गया था उसके आज रिहर्सल थी, अब कल है असली कॉम्पिटिशन। सो जय गुरु जी, जय गुरु जी। गाइस चलते हैं हम किचन में, बनाते हैं डिनर। डिनर में आज मैं बना रही हूँ साबत मसूर की दाल, और काजल गया है फैल, दाल रख दूँगी मैं, मेड चपाती बना हुई है। और मन नहीं कर रहा था मेरा उठने का, अभी मैंने एक मेफ्टाल खाई है तब उठी हूँ मैं, पेट पे सेक करके थोड़ा हो गया है। बस फटाफट से दाल चढ़ा के मैं वापस बेड पे चली जाऊँगी, मेरी बैक में भी बहुत पेन हो रहा है आज, और फिर होपफुली कल सुबह तक बेटर हो जाएगा। सो गाइज यहाँ मैं दाल का तड़का तैयार कर रही हूँ, और साथ में मैं कुकर में रख रही हूँ सूप बनाने के लिए, बिकॉज मेरा मन कर रहा है वार्म सूप पीने का बस रात को डिनर में, और कुछ नहीं। तो इसमें है कैरेट, शलगम एंड टमाटर, इसका सीटी दिला के देन स्ट्रेन करके फिर बॉईल करूँगी इसको, थोड़ा सा मिल्क डाल के थिक करूँगी, सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड क्रम्स बनाऊँगी ब्रेड के बिना फ्राई करे एयर फ्रायर में। आई हैव टोमेटो सूप। अब गुड नाइट।